गिनती का पुस्तक 11 अध्याय का 5 और 6 वचन। हमें वे मछलियां स्मरण है जो हम मिस्र में सेतमेंद में खाया करते थे, और वे कीड़े और करबूजे और गंदने और प्याज और लहसुन भी। परंतु अब हमारा जी घबरा गया है, यहां पर हम इस मन्ना को छोड़ और कुछ भी देख नहीं पड़ता। अभी कहते हैं हमारा मन निराश हो गया है। प्रतिदिन परमेश्वरी ने मन्ना को खिलाया, इसे वे भूल करके। लेकिन यहां दुखी की बात यह है, वे हमेशा मिस्र की खाना को याद करते हैं। इसराइली लोगों ने उस जंगल में साधारण खाना नहीं खाया, वो आकाश की मन्ना को खाया, जिस भोजन ने स्वर्गदूतों ने खाया था, जो दुनिया में सबसे रुचिदायक था, जो मधु से भी जो मीठा था। उस भोजन को, उस स्वर्ग की मन्ना को ये लोग तुच्छ जानते हुए और ये कहते हैं मिस्र की खाना जो कुछ भी नहीं था उसके बारे में वो घमंड से कहते हैं। कितना दुखी की बात है। मन्ना का मतलब है ये परमेश्वर का वचन। अगर यीशु के बारे में जानना चाहते हैं, यीशु और मन्ना, उन दिनों में मन्ना सिर्फ इसराइलियों के लिए दिया गया है, लेकिन आज यीशु रूपी मन्ना सारे लोगों के लिए दिया गया है। ये जो मन्ना शरीर की भूख मिटाने के लिए, लेकिन यीशु रूप की मन्ना न केवल शरीर के, आत्मा को तृप्त करके अगुवाई करने वाला है। यीशु जिन्होंने वो मन्ना खाया था वो तो जरूर मरे हैं, लेकिन जो जीवन रूपी यीशु के मन्ना को जिन्होंने खाया, मरने से भी जिएंगे, वे हमेशा अमर रहेंगे। अनंत जीवन तक लाने वाला मन्ना है वो यीशु। हालेलुया। उस मन्ना को जो है वे जमीन में झुक के बटोरना है, लेकिन इस मन्ना यीशु को नम्र दिल से यीशु को में ग्रहण करना है। इस जीवन रूपी यीशु को मन्ना के रूप में जो ग्रहण करते हैं, ना केवल शरीर की सारे आशीष को देते हैं, अनंत काल तक जो है यीशु उनको स्वर्ग तक अगुवाई करते हैं। इस अनंत काल की आशीष को परमेश्वर ने मेरे लिए दिया है, इसलिए परमेश्वर को हमें धन्यवाद देना है। संसारिकता की और बातों की घमंड नहीं करना, परमेश्वर के नाम को महिमा करना है। इसलिए अपने आप को अलग किए हुए पवित्र लोहों के समान यदि हम रखेंगे तो आपकी कानन की यात्रा कामयाब होगा। हालेलुया, हालेलुया।